सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन है। सर सबसे पहला सवाल है कि एक नाले की ज़मीन पे, एक नाले की जगह पे आपने कॉलोनी क्यों काटी? कैसे कट सकती है कॉलोनी? एक वेद कॉलोनी काटने के लिए शासन ने बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमको जो ज़मीन हम परचेज करते हैं वो आवास की ज़मीन होना चाहिए। मंदसौर में मास्टर प्लान लागू है, 2003 में मास्टर प्लान बन चुका था, 2003 से ही ये ज़मीन आवासीय घोषित है, तो नाले का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। सोशल मीडिया पर लगातार यही है कि कभी वहाँ पर एक नाला हुआ करता था, एक खार हुआ करती थी जहाँ लोग नहाते थे, जहाँ पर आपने अतिक्रमण करके लोगों को पैसा खिला करके और कॉलोनी काट दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो उन लोगों के साथ छल कर रहे हैं कि कई ऐसे लोगों ने मकान और अपना पैसा जीवन भर का लगाया है उस ज़मीन के ऊपर, बहुत मुश्किल से अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके लोन ले कर वहाँ अपना पैसा लगाया और मकान बनाया है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि वहाँ कोई नाला है। वहाँ पे नाला अभी भी है। जिन लोगों ने भी ये बोला है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मेरी बकायदा कंप्लेंट करें, फोरम है कंप्लेंट्स के, उसमें मेरी नप्ती कराएं, मेरी कॉलोनी की नप्ती कराएं, नाले की नप्ती कराएं। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। नाले को नाली किया आपने और कॉलोनी को नाली के क्षेत्र में बढ़ाया, अगर वहाँ भी देखा जाए तो वो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। देखिए ये मेरी कॉलोनी है, ये नाला चल रहा है, देखें दिख रहा है आपको, है ना, ये नाला चल रहा है। जितना नाला नक्शे में है उतना मौके पे आज भी मिलेगा। जो मेरी कॉलोनी है वो मेरे सर्वे नंबर्स में है, वो पिछले 40 साल के मैं रिकॉर्ड्स आपको बता सकता हूँ जिसमें ये यहाँ खेती होती आई है। और ये देखिए 83, 84, 85, 86 सब में आप देखेंगे, ये तो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं ना सर, ये रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ये आपको रिकॉर्ड में शासन में आपको खसरा निकालेंगे, खसरे की नकल निकालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि पिछले 40 साल से इस ज़मीन पे खेती चलती आ रही है, कोई पानी का भराव नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इसके पास में जो 1992 का नंबर का जो सर्वे नंबर है वो नाले का नंबर है, वो मौके पे आज भी है। क्या आपको ये नहीं पता था कि ये क्षेत्र डूब क्षेत्र है और वर्तमान में या कभी भी बारिश अगर अधिक होती है तो नाले का पानी कॉलोनी में आएगा? भैया पिछले 30-40 साल से जिस ज़मीन पे खेती हो रही है, मास्टर प्लान ने उसको आवासीय क्षेत्र घोषित कर रखा है, वहाँ लोग पहले से भी रह रहे थे और माली परिवार और कुछ परिवार तो पहले से रहते ही थे वहाँ पे। पिछले 5 साल से तो मैं भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे, कोई ऐसी समस्या है ही नहीं। क्या आप लोगों की इंजीनियरों की जवाबदारी नहीं बनती थी कि वहाँ पे कॉलोनी काटने से पहले आसपास के क्षेत्रों को देखा जाए कि अगर पास में नाली है या नाला है तो अगर अधिक मात्रा में पानी बढ़ता है तो कॉलोनी में आए और रहवासी परेशान होंगे? क्या होता है कि जब कॉलोनी को पास किया जाता है तो उसकी अनुशंसा की जाती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों द्वारा, उसका स्थल अनुमोदन होता है। बाकायदा नाले का एक नियम है कि अगर कोई नाला है तो उसके 9 मीटर तक अपन भूखंड नहीं बेच सकते, तो 9 मीटर तक हमने गार्डन दिया है, रोड्स दिए हैं, उसके बाद ही भूखंड है। और हर भूखंड पे बकायदा हर व्यक्ति ने बकायदा गवर्नमेंट से अनुमति लेकर, नगर पालिका से अनुमति लेकर ही मकान का निर्माण किया है। वहाँ के लोगों का आरोप है कि आपने कभी ये नहीं बताया कि यहाँ पे पानी जमा होगा और हम लोग वहाँ रहने आ गए, लोग आज की स्थिति में वहाँ परेशान। जब मुझे ही नहीं, पानी कैसे जमा होगा? आज आप स्थिति देख रहे हैं, आपको ये आप बात जरूर मेरे से पूछ रहे हैं, पर आपको भी पता है कि मंदसौर में पिछले 70-80 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सारी कॉलोनियों में लगभग पानी आया, कर्मचारी कॉलोनी, गांधीनगर, यश नगर, शुक्ला कॉलोनी, नई आबादी, अपना अभिनंदन कॉलोनी, बुरानी नगर, ऐसी कौन सी कॉलोनियाँ बताएं जहाँ पानी नहीं आया है? लोगों का कहना है कि आपने कॉलोनी के चारों तरफ नाले के इधर 5 फीट बाउंड्री बनाने का वादा किया था, वो भी आपने पूरा नहीं किया और जिस कारण से पानी अंदर आ। ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, बाउंड्री तो ऑलरेडी बनाई है हमने, बाउंड्री नहीं बनाई ऐसी बात नहीं है, बाउंड्री बनाई है सभी तरफ हमने। वो बाउंड्री 3 फीट की हो सकती है, 5 फीट की नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कोई हमने किसी से भी इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया है। और अगर भविष्य में कोई जरूरत पड़ती है तो अब चूंकि हम कॉलोनी को नगर पालिका को हैंड ओवर कर चुके हैं, ये 28/3/2018 को हम कॉलोनी को हैंड ओवर कर चुके हैं। कॉलोनी का हैंड ओवर होना मतलब सारी चीज़ों की पूर्णता करना, रोड, नाली, बाउंड्री वॉल, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही कॉलोनी हैंड ओवर होती है। एक साल तो हमको करीब एक साल से ऊपर तो 2018-19 अभी सवा साल डेढ़ साल तो हैंड ओवर किए हुए हो गया मेरे को कॉलोनी को। आपको क्या लगता है कि पानी भराने का असली कारण क्या रहा? पानी भराने का असली कारण जो मुझे समझ में आया है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि शनि मंदिर की जो पुलिया है उसके नीचे पूरा जो पाइप लगे हैं वो जाम है, है ना, अगर वो जाम नहीं होते तो पानी पास हो सकता था। फिर शनि मंदिर के पीछे साइड में बहुत ज़्यादा भरावा हुआ है जिसकी लगातार शनि मंदिर के लोग ही कंप्लेंट करते आ रहे हैं, और शनि मंदिर में जो रहते हैं कॉलोनी में लोग उनको भी आइडिया है इस चीज़ का, लगातार वो भी कंप्लेंट करते हैं। चूंकि अब मेरे को एक साल हो गया हैंड ओवर किए हुए कॉलोनी को, तो मेरा भी बहुत ज़्यादा आना जाना होता नहीं, फिर भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं और वो भराव काफ़ी मात्रा में हुआ है वहाँ पर। जलकुंभी भी कई बार वहाँ बोला साफ़ करने के लिए, जलकुंभी भी अभी तक साफ़ नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है।
लोगों का आरोप है कि कल रात शाम 7:30-8 बजे से पानी भराना शुरू हो गया, तो उन्होंने कई बार आपको कॉल किया तो आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। हर कॉल उठाया मेरा, आप कॉल रिकॉर्डिंग चेक करा सकते हैं, मेरे हर कॉल पे बात हुई, मेरा कभी भी फ़ोन बंद नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सकता है कि मैंने उस पर फ़ोन पर बात नहीं की हो। कॉलोनी वालों का एक ये भी आरोप है कि आपने एक रोड का वादा किया था शनि मंदिर के पीछे की तरफ का, जो आपके नक्शे में भी हुआ करता था। मैंने कोई वादा नहीं किया था, शनि मंदिर के लोग ही गए थे दादा के पास में, और दादा ने इसके लिए काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ा भी दी थी। जब दादा अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने पीछे से रास्ते का एक प्लान बनाया था धूलकोट बांध से, जो कि PHE की NOC में गया हुआ है। PHE से NOC आ जाएगी तो वो रास्ता बनेगा, ऐसा नगर पालिका में भी पूरा बना हुआ है, इसकी प्रोसीडिंग्स हैं सारी नगर पालिका में। अभी वर्तमान स्थिति में आप कॉलोनी वालों के लिए क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान स्थिति में मैं कॉलोनी वालों के साथ हूँ, बिल्कुल साथ में, 100% साथ में हूँ, क्योंकि हमारे कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं वो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मकान बनाए हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्लॉट्स खरीदे हैं। मैं उनके साथ में हूँ, बिल्कुल हमेशा साथ ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। कितनी हेल्प करी कल आपने? तो अभी पूरी हमारी टीम आज सवेरे से वहीं पर लगी हुई थी, अभी पानी सप्लाई करा के ही हमारी टीम वापस आई है यहाँ पर, है ना। तो नैतिक जवाबदारी हमारी बनती है और हम पूरी कर रहे हैं उसको। आगामी समय में ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसी स्थिति नहीं बने इसके लिए हम इंजीनियर्स नगर पालिका में भी बात कर रहे हैं। अब चूंकि नगर पालिका को हम कॉलोनी हैंडओवर कर चुके हैं, तो बिना नगर पालिका के हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। चूंकि नगर पालिका के साथ में डिसीजन लेना है तो हम अच्छी भी योजना बनाएंगे जिससे आगे ये समस्या नहीं आए, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं 70-80 साल के रिकॉर्ड्स टूटे हैं, है ना। 5 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, इतनी बरसात आई कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, ये पहली बारी दिक्कत आई है, और आगे ऐसा नहीं हो इसकी पूरी योजना बनाएंगे हम। आपको ये नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक हवा और एक आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि ये कॉलोनी आपने सीधे नाले पे काटी है, कोई ऑप्शन नहीं रहा? तो मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे आप पे आरोप लगा रहे हैं, बजाय वो आरोप लगाने के कंप्लेंट्स करें। कंप्लेंट्स के फोरम हैं, है ना, सभी जगह। अगर वो नाले पे कॉलोनी काटी है तो वो वही है, हैंडओवर ऐसे नहीं होती है। जब मेरी जो ज़मीन है उसी पे काटी गई है कॉलोनी, नाला मौके पे ज़्यादा है, कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मेरी कॉलोनी का भी पूरे पार्ट मुझे मिला ही नहीं है, ये मान के चलिए।